लाश को? राजा नहीं दिखाई दे रहा कहीं, कहाँ रह गया वो? अरे मैं क्या रात पर राजा का पहरा देता रहा समंदर में, आता होगा। वो देखिए ठेकेदार साहब आ गया राजा। ए राजा, कब से पूछ रहा हूँ तेरे बारे में, कहाँ रह गया था तू? सब आगे तेरा ही कोई पता नहीं। उधर देखिए ठेकेदार साहब, जितनी मछली लाया हूँ कोई और मछेरा नहीं लाया होगा। अरे कोई दूसरा मछेरा भी तो तेरे जैसा नहीं है राजा। ए शंकर, चल जरा माल उतार। अब तू कहाँ जा रहा है? अरे हिसाब तो कर ले। हिसाब तुम करके रखो साहब, मैं बाद में आके मिलता हूँ। चिना, यहाँ क्या? कुछ खाया कि नहीं? ये ले, जा कुछ खा ले। ए जाने, ए राजा, शादी हो रही है तेरी है? ए तेरे को आने को मांगता है? अभी ना दो के आता हूँ। ए साला, तेरा घर इधर को उधर को काहे को जाता है? डिसलवा अंकल की चाय तो पी लो। क्यों जल्दी आना, बहुत मजा आएगा। ये क्या? अरे ओ साला, कह रहा राजा। आजा आजा। आ गया। भाग गया साला, तुमको भी अभी आना था। अरे तुम्ही ने तो कहा आजा। अरे तुमको नहीं, चूहे को बोल रही थी। बोल क्या है? कुछ नहीं, एक चाय का सवाल है। कोई चाय वाय नहीं मिलेगी। अरे क्यों? मुझे जॉनी और मरिया की शादी पे जाने के लिए तैयार होना है। अरे जाना तो मुझे भी है। अरे क्यों? अभी अभी सारी सफाई की थी और जरा देखो तुम क्या कर रहे हो। सॉरी मैम। अरे भाई, रात भर एक छोटी सी नाव में बैठकर जागता रहा और तुम एक चाय के लिए, सिर्फ एक चाय? ठीक है मैम। अच्छा बाबा, देती हूँ, बस पहले ठीक से बैठो। चलो आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, अभी लाती हूँ सर। उफो, उतरो, नीचे उतरो, उस तरफ। जब देखो तब मुझे सताते रहते हो। लो, साफ करो इसको। मोना, बस और कुछ मत मांगना। हाँ ठीक है ठीक है। ओ पापा। अरे राजा तू यहाँ क्या कर रहा है? मिस जोसेफ तुझे ढूंढ रही बहुत देर से। पता है शादी में जान। अरे अंकल तुम भी जा रहे हो? क्यों नहीं, why not? आज हमारे गांव में इतने दिनों के बाद एक शादी हो रही है, आज तो मैं तेरा सूट फूट पहनूंगा, सेंट वेंट लगाऊंगा। सॉरी बेटे, ये क्या है? जहर। जहर? चूहों का। मोना ये क्या है? नहीं चाय अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन शक्कर नहीं है। शक्कर नहीं है सच? ओफो, आज मुझे क्या हो गया है? सारे काम एक साथ, जॉनी किचन में तुम्हारी शादी हो रही, चूहों को शक्कर चाहिए, मैं तो पागल हो जाऊंगी। जॉनी किचन में मेरी शादी हो रही है और चूहों को शक्कर चाहिए? अरे वाह, तीनों स्टोरियां ऐसे मिक्स हो गई हैं जैसे चाय, दूध और शक्कर। नहीं अभी शक्कर नहीं जाए। ये खाली कैसे हो गई? इसमें शक्कर थी ना, मैंने चाय में डाल दी। इसमें अरे परेशान क्यों हो रही हो, थोड़ी सी तो थी, मैंने चाय में डाल दी। और तुमने पी ली? और नहीं तो क्या, चाय से हाथ मुंह धो लेता। तुम भी, लेकिन मना आजकल शक्कर में भी मिलावट है। राजा राजा। अरे ये राजा राजा क्या कर रही हो? शादी में नहीं जाना क्या? जल्दी जाके तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो गया। राजा, ये शक्कर नहीं थी, जहर था, जहर। जहर? मोना, तुम कहीं सच तो नहीं बोल रही हो मोना? राजा, इतने देर से मैं तुमको ये तो कह रही थी, तुमने जहर पी लिया। पापा। मोना। राजा। मोना, लेकिन मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं
ठीक हूँ, तुम घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। मना तुम ये बैठने का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ अब जाने का। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? मोना गुड बाय मोना। हेलो भगवान। क्या हुआ बेटे? मगर चाय में चूहे मारने का जहर क्या कर रहा था? चाय में तो चूहे जाते नहीं है। बात समझो ना पापा। क्या? मैं जल्दी में थी तो? इसने चाय मांगी तो मैंने। अच्छा मैं समझ गया, तुम जल्दी में थी। हाँ। इसने चाय मांगी तो तुमने गुस्से में आके इसको जहर दे दिया। नहीं। तुमने ये क्या किया मोना? पापा मैंने इसको जहर नहीं दिया। तुम्हारी ये कहने से क्या होगा बेटी? अदालत तो सबूत चाहती है, गवाह मांगती है, और हम लोगों को गवाह यहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ तो कोई है भी नहीं। गवाही मैं दे दूंगा। हाँ तुम्हारी गवाही चलेगी। ये तो ठीक है राजा। राजा ए राजा तू बच गया। हाँ तू बच गया राजा। हाँ, इसलिए कि जहर चाय में नहीं मेरे रुमाल में था। अभी तेरे को बता दूँगा। मजाक है। आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। अभी ठीक करती हूँ तेरे को। दांत काटूंगी तेरी। जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। आ, आ, आ। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। Oh,
जाने जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे कैसे कहा था ये बता मारिया की भी शादी हो गई और एक एक करके सब लड़कियों की शादियां हो रही गांव में। तू भी कभी शादी करेगी कि नहीं? कल जब राजा जाएगा ना मछली पकड़ने, तो उसे कह दूंगी कि समुंदर से मछली के साथ एक तूल्हा भी पकड़ लाना मेरे लिए। वैसे राजा खुद क्या बुरा है? पापा अब सठियाना शुरू कर दिया तुमने। राजा और मैं बचपन के दोस्त हैं, बस ना मैं उसके बारे में ऐसा सोच सकती हूं और ना वो। राजा मेरा चश्मा, ये क्या है? ये वो नहीं, ये अरे ये हाँ ये तो वो होता है ना रुमाल हैंकी जिसे पसीना पहुंचते हैं नाक साफ करते हैं। तो इतना सा था जब से पाला है मैंने तुझे, तू मुझसे होशियारी करता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। सब जानती हूँ? क्या जानती हूँ? तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी किसे? अरे मोना से। और किससे? मोन ये ओह तुम भी मिस जोसेफ हद हो गई, पता नहीं किस बात का क्या मतलब समझ लेती हो। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तो समझती थी कि तुम अपने दिल की बात मेरे को ही बताओगे, लेकिन अगर तुम छुपाना चाहते हो तो फिर मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? नहीं नहीं मिस जोसेफ, ऐसा मत कहो कि तुम कौन हो पूछने वाली। अगर तुम नहीं पूछोगी तो मेरा है कौन पूछने वाला? कोई है? अच्छा तो फिर बता, जब तू उसके साथ इतना हंसी मजाक करता है तो फिर शादी की बात क्यों नहीं कर लेता? हाँ, इसलिए कि ये बात हंसी मजाक है। मैं जानता हूं जब मैं उसे ये बात कहूंगा वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन पहले मैं इस काबिल तो हो जाऊं। आखिर में जोसेफ मेरे पास है क्या? नाव ठेकेदार के, जाल ठेकेदार के, और जो मछली पकड़ता हूं वो भी ठेकेदार के। ठीक है थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, लेकिन इतनी सी कमाई में क्या सुख दे सकूंगा उसे?
तो फिर तू क्या सारी जिंदगी इस तरह? नहीं मिस जोसेफ, नहीं, अच्छे दिन आएंगे तब जाऊंगा मोना के पास, जब मेरी अपनी नाव होगी, अपने लिए काम करूंगा, तुम्हारे लिए, मोना के लिए। मिस जोसेफ, देखना एक दिन तुम्हारा राजा इसी पानी में खुद अपनी नाव में जा रहा होगा। सर सर, ये छोटी छोटी कश्तियां देखने में बहुत ही फंटास्टिक लगती हैं। मेरा मतलब बहुत ही अच्छी, क्या फीलिंग है आपकी है? बट्टोगलाल, ये कश्तियां अगर तुम्हें अच्छी लगती हैं तो ठीक से देख लो, कुछ दिनों बाद दिखाई नहीं देंगी। बहुत ही फंटास्टिक बात कही सर आपने, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, मेरी नजर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तो अभी भी ये कश्तियां सर मुझको आउट ऑफ फोकस बहुत ही दूर दिखाई दे रही है। बट्टोगलाल, तुम गधे के गधे ही रहे। मैं तुम्हारी आंखों की नहीं, कमला देवी की कंपनी की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। हम नहीं चाहते ये छोटे मोटे मछेरे यहाँ पर समंदर में मछलियां पकड़े। ये भी उन्हीं मार्केट में बेचते हैं जहाँ पर हमारी कंपनी बेचती है, इनकी वजह से हमारी कीमतों पर बड़ा असर पड़ता है। बट सर, आई फील ये लोग मना करने से मानेंगे नहीं। जिस तरह हम मना करेंगे, इनके बाप को भी मानना पड़ेगा, क्या समझे? समझ गया सर, यही के बड़ी फिस छोटी फिस को खा जाती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? सेफ टू सेफ। आज पहली बार अकल की बात की है बट्टोगलाल। हां थैंक यू सर। कैप्टन शर्मा सर, वापस चलो। यस सर। मुझे 10 बजे मैडम ने बुलाया है। हाय, मैडम ने बुलाया है? देन तो वापस चलना इज वेरी जरूरी सर, इसलिए कि मैडम के 10 तो ठीक 10 बजे ही बजते हैं। बट सर, एक बात बहुत फील होती है, अब हम तो आपके नौकर हैं, हम्बल सर्वेंट, मैडम को मैडम ही कहेंगे, बट सर आप तो उनके स्वर्गवासी बिरादर के बेटे हैं। आप उनको हिंदी में बुआ जी या इंग्लिश में कहती है ना कि एंटी, ऐसा कुछ क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहता बट्टोगलाल कि मुझे अभी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर रहना है। ओ। कमला देवी सबके लिए सिर्फ मैडम है, मेरे लिए भी। मेहता, काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? मैडम, प्रॉब्लम यह है कि वो जमीन कुछ नीची है और बारिश हो जाने की वजह से वहाँ पानी भर गया है, इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 26 तारीख तक आपका काम पूरा हो जाए। मिस्टर मेहता, तुमको तनख्वाह सिर्फ कोशिश करने के लिए नहीं मिलती है, 26 तारीख तक अगर काम पूरा ना हुआ तो अपना इस्तीफा भेज देना, समझे? जी। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, हमने जिस जापानीज कंपनी को 3 और ट्रॉलर्स का ऑर्डर दिया है उसका एस्टीमेट तैयार है। विक्रम जी, मैंने इस वक्त तुम्हें ट्रॉलर्स की बात करने के लिए नहीं बुलाया है, रवि आ रहा है और तुम तो जानते हो ये सारी जायदाद, ये इतना फैला हुआ बिजनेस, ये सब कुछ एक दिन उसी को संभालना है। जी हाँ, क्यों नहीं, आपके साथ रहेगा तो धीरे धीरे सब सीख जाएगा, आखिर तो आपका पोता है, उसकी रगों में खून भी तो आप ही का है। हाँ ये तो है, मगर उसकी रगों में एक मामूली से घराने की मामूली सी औरत का खून भी तो है, जिसने मेरे बेटे को, खैर अब इतने बरसों बाद ये बातें क्या याद करना। विक्रम जी, मैं चाहती हूँ कि रवि आ जाए तो धीरे धीरे कंपनी का सारा बोझ तुम उसके कंधों पर रख दो। जी। सलाम साहब। आओ रवि। दादी वहाँ है घर में? नहीं, इस वक्त वो ऑफिस में बिजी हैं। तुमसे रात को मिलेंगे डिनर पर।
बंगला कैसा लगा? जी अच्छा। और तुम्हारा कमरा? अच्छा वो भी। मुझे ये जगह ही पसंद है, बहुत डेवलप की जा सकती है। फिशरीज की कंपनी तो शुरू हो ही गई है, दूसरे भी प्लान्स हैं। तुम काम में दिल लगाओ, सब जान लोगे। कॉलेज के बाद अब तक क्या किया तुमने? इधर उधर घूमते रहे? अब तुम यहीं रहो, मैंने विक्रम से कह दिया है, वो तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा देगा। जी। और अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए, तुम्हारे बाप ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, लेकिन तुमको मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मेरे बाप ने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की थी, अपनी मर्जी से गुजारी थी। अपनी मर्जी से गुजारी थी या उस औरत की मर्जी से? आपके कुछ और कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरी माँ के बारे में बात कर रही हैं दादी माँ। रियली? अगर मैं ऐसा कर रही हूं तो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तुमने अभी तक सुख खत्म नहीं किया। आप यहीं इस लाइट हाउस में रहते हैं? हाँ, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, कहीं बाहर से आए हो? जी हाँ। सुबह सुबह घूमने निकले होगे? जी, सुबह सवेरे सागर कितना सुंदर दिखाई देता है। सुबह सवेरे ही क्या, दिन के हर पल में सागर का एक नया रूप होता है, कभी नीला, कभी सुरमई, कभी चांदी की तरह चमकीला, कभी शाम की लाली की तरह लाल, और कभी ऐसी घनघोरज कि जैसे कोई फौज आ रही हो, और कभी इतनी धीमी आवाज कि जैसे कोई दोस्त कंधे पर हाथ रखकर बात करता है। सागर के अनगिनत रूप हैं, तुम भी अगर ध्यान से देखोगे ना बेटे तो वो क्या नाम है तुम्हारा? रवि। आपका क्या नाम है बाबा? बस बाबा ही कहते हैं। बाबा? अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। अच्छा, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। Thank you.
पहले उसकी तस्वीरें देखता है, कश्ती से उतरते ही सीधा उसकी सूरत देखने के लिए जाता है। ये क्या है? पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो है। मगर तो अच्छा, तो मैं चलूं? देर हो गई है। ए सुर्खिया, बोल दे कंपनी के जहाज। अरे वो कंपनी के जहाज नहीं है बेटा, अमीरों की लात है जो एक दिन हम सभी मछेरों के पेट पर पड़ेगी। सर वी आर रेडी, वापस चले। ठीक है, चलते हैं। कैप्टन शर्मा। यस सर। ये आप लोग हमेशा इतना चक्कर लगाकर क्यों जाते हैं, सीधे क्यों नहीं ले जाते? सर मेरी फीलिंग ये है कि उधर उन मच्छरों के जाल फैले होते हैं ना, इसीलिए हम लोगों को रोन रोन जाना पड़ता है। तो ये समंदर क्या इन मच्छरों के बाप का है कि जहाँ चाहे जाल फैला दें? कैप्टन शर्मा। यस सर। आज बोट
सीधी ले चलो। लेकिन सर वो बोट, वो जाल। मैं जो कह रहा हूं वो करो, सीधे चलो। यस सर। चलो, कह दे रहा तुमसे, तुम लोग अंदर। अगर हम अंदर नहीं आ सकते तो तुम लोगों को बाहर नहीं निकलने देंगे। चल छोड़ो यहाँ से। तुम्हारी क्या बात है, ये क्या शोर हो रहा है? क्या शोर हो रहा है मैं बताता हूँ। ये साहब देखिए, ये गांव वाले जबरदस्ती अंदर घुसना चाहते हैं। क्या चाहते हो? सुन, क्या तुम्हारे जहाज ने हमारे आदमी का जहाज बर्बाद कर दिया साहब? उसका पैसा चाहिए। किस बात का पैसा? हमने कहा था उसको वहां पर जाल बिछाने को। और सुनो, हम जहां से चाहेंगे अपने जहाज ले जाएंगे। ये समंदर कोई तुम लोगों की जागीर नहीं है, समझे? ठीक है, समंदर हमारी जागीर नहीं है तो उसकी लहरों पर तुम्हारी कंपनी का ठप्पा भी नहीं लगा है कि जिधर मुंह उठाओ चले जाओ। ए साहब, तुमने इसका नुकसान किया है, पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा। देखो, अगर तुम झगड़ा करना चाहते हो तो एक मिनट देखकर अंकल। क्या बात, ये सब क्या हो रहा? कुछ नहीं रवि, ये इस गांव के मछेरे हैं। इनका जाल हमारे जहाज के सामने आ गया तो बस इन्हें पैसे मांगने का बहाना मिला। हमारा जाल तुम्हारे जहाज के सामने नहीं आया, तुम जानबूझकर अपना जहाज हमारे जाल के ऊपर से ले गए। अरे करते हो तो डरते क्यों हो, बोलो जो क्या है। तो क्या वो तुम्हारा जाल बेकार हो गया? धज्जियां उड़ गए साहब, इस बेचारे का था, सूद पर पैसा लेकर जाल खरीदा था इसने, अब क्या कमाएगा क्या खाएगा। रवि, तुम भी किन लोगों की बात सुन रहे हो? अरे ये लोग तो, ये लोग जैसे भी हो विक्रमकर, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस आदमी का जितना भी नुकसान हुआ उसका पैसा आज और अभी मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर मैडम को पता, मैडम की फिक्र आप ना करें, उनसे मैं बात कर लूंगा। आप इसको पैसा दिलवा दीजिए। ठीक है त्रिवेदी। यस सर। इस आदमी को ऑफिस में ले जाओ और इसका पेमेंट करवा दो। ठीक है साहब। सर ये ठंडी बीर लीजिए, बहुत ही फंटास्टिक चीज है। यू विल फील कूल, ठंडक पहुंचेगी। सर सुना है रवि ने आज बहुत ही डैम्फुल बात की, पता नहीं सर आपको कैसा लगा, लेकिन हमको तो बहुत बुरा फील हुआ सर। हम तो आपके चमचे हैं ना, तो फिर तो होगा ही, लेकिन क्या करें, आफ्टर ऑल दादी माँ का पोता है, ग्रैंड सन, होलसेल वारिस तो ही इज वारिस। कमला देवी का वारिस तो रवि का बाप अरुण भी था, मैडम का इकलौता बेटा। क्या हुआ, जब तक जिया भिकमंगों की तरह रहा। वारिस होने से क्या होता है? क्या होता है, बहुत ही फंटास्टिक बात कही सर आपने। लेकिन सर एक बात बहुत फील होती है, जब कमला देवी ने सन को ही गेट आउट कर दिया था तो फिर ये ग्रांड सन कैसे कमिन हो गया है? ये 7 बरस का था जब अरुण और उसकी बीवी एक रोड एक्सीडेंट में मर गए। ओह। बाद में इसको मैडम ले आई थी, सारी जिंदगी हॉस्टल में रहा, अब साथ में रहने को बुला लिया है। जो बेटा ना बन सका
वो पोते को बनाना चाहती हैं। डैम फूल। मगर तुम देखते जाओ बट्टूकलाल, ये प्रॉपर्टी, ये सारा बिजनेस सब एक दिन मेरा हो जाएगा। ना बेटे को कुछ मिला था, ना पोते को कुछ मिलेगा। क्या हुआ? ना बाबा, बहुत डर लगता है। प्लीज चलो ना। नहीं, चलो। मुझे बहुत चक्कर आते हैं। नहीं, अरे भाई, अब उतरो भी। चलो भाई, आप लोग आ जाओ। मेरा नाम रवि है, तुम्हारा नाम क्या? ओफो, अब चलो भी, बहुत भूख लग रही है। अरे कहाँ खो गई हो?
खुशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा चुराने आए थे मेरे कमरे से। देखा, ये नेकी का जमाना नहीं है। मैं मार्केट जा रहा था ठेकेदार के पास। ए! उफ! सोचा जाते जाते तुमसे पूछता जाऊं। मैं ऐसे लगाते मार्केट से कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? अरे हाँ राजा, ये कपड़ा लाई थी मैं मार्केट से ड्रेस के लिए। अच्छा? इसके लिए मुझे बटन चाहिए। हाँ लेके आऊंगा। नीले? हाँ नीले। बड़े वाले? बड़े वाले। थैंक यू। और कुछ चाहिए? राजा, तुमसे दोस्ती करके मैंने बड़ी अकलमंदी का काम किया। देखा काम आ गई ना आज? ये बटन लाना कोई काम है? तुम कहो तो जान भी ले लूंगा, मतलब दे दूंगा। अच्छा ये बात है, तो फिर इधर आओ। कुछ जाओ बालकनी से। बालकनी से? जा जा। ये? चलो रंजिंग स्टार्ट। तुम ये कहना चाहते हो कि हम मार्केट में अपनी कीमतें धीरे धीरे कम कर दें? जी। और जो नुकसान होगा? मैडम, हम तो ये नुकसान उठा सकते हैं, मगर यहाँ जितने मछेरे हैं धीरे धीरे सबकी कमर टूट जाएगी। वो इसलिए कि इनमें से हर एक मछेरे ने या तो अपनी कश्ती और जाल महाजन से सूद पर पैसा लेकर खरीदे हैं, या ये सब कुछ उसे किसी ठेकेदार से कमीशन या किराए पर मिला है। कीमतें अगर इस तरह कम होती गईं, तो ये लोग अपने कर्ज नहीं उतार सकेंगे, बहुत जल्द बेरोजगार हो जाएंगे और मार्केट पर पूरा कब्जा हमारा हो जाएगा। तुम मार्केट में कीमतें गिरानी शुरू कर दो। अरे मगर ये कंपनी वाला, मैं जानता हूं कंपनी वालों ने क्यों अपने रेट गिराए, सिर्फ हमको घर से बेघर करने के लिए। लेकिन इस तरह शोर मचाने से क्या होगा? तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखो, हम सबको एक होकर ठंडे दिल से सोचना चाहिए। अरे अब सोचने में क्या रखा है, इसकी बातें सुनोगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। अच्छा तो तुम क्या कहना चाहते हो? अरे मैं तो कहता हूं बस एक ही रास्ता है,
आग लगा दो कंपनी के जहाजों को और जला दो उनके गोदाम। हाँ, अब सब जेल चले जाओ और यहाँ सबके बाल बच्चे भूखे मर जाएं। तो अब क्या है, वो तो वैसे ही भूखे मरने वाले। मैं तो कहता हूँ ताजा ठीक ही कह रहा है। तुम्हें क्या ठीक है? जाने दो प्लीज। ठीक है, ठीक है, सब इनके बात सुनो। अरे राजा, सुनो यार, वो पागल की तरह बात करता है और सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। जा जा, इनकी बात सुनो। एक फैनी मिलेगी? माफ कीजिएगा साहब, बार बंद हो गया। बार बंद हो गया? मगर या तो सब पी रहे हैं भाई। हाँ पी रहे हैं, फिर मगर अभी भी बंद हुआ है। ओह, ठहरो साहब। अंकल दे दो, दे दो। ऐसा ही एक और बना दीजिए। कितने पैसे? 5। थैंक यू। तुम्हारे लिए। ठहरो साहब। अंकल। यस। दो और। देखो साहब, तुम बहुत बड़े आदमी हो, हम तो बस छोटे आदमी हैं, मछेरे हैं, पर हमारी मेहनत की कमाई से भी एक पीते जाओ। मेरी तरफ से हो जाए। क्यों? अंकल। हाँ बोलो। दो और प्लीज। क्या नाम है साहब तुम्हारा? मैं कोई साहब आप नहीं हूं और मेरा नाम रवि है राजा। तो रा जा राजा रा। अंकल, ये कंपनी का आदमी है मगर दोस्त आदमी। रवि हमारा मेहमान है, एक और बोतल ले आओ। अगर राजा तुम नहीं जानते, ये कंपनी तुम्हारी दुश्मन है। दुश्मन? हाँ। मेरे को दो प्लीज। अंकल बस इसके बाद और नहीं मिलेगी। क्या बहुत पी लिए तुम दोनों ने? ए, किसने बहुत पी लिया भाई? बस बस। क्या अंकल तुम समझते हो क्या? बच गई। नहीं ठीक है, ओके ओके। बस क्यों अंकल तुम समझते हो कि हम पिए हुए नशे? उठ जा रहे हैं। हम लोग क्या
एक दो बोतल पी है और क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, हम लोग तो बस वो हाँ? क्या बोलते हो, खुश खुश हम तो बस क्या मस्ती में है क्या को मिलेगा यार यही।
चलो अब घूम के गलियों में ये गाओ रे आओ रे कुछ दिखाई दे रहे हो सर एक बहुत ही फंटास्टिक समाचार लाया हूँ सर आप तो हमें बिल्कुल गलत हो एकदम फूट समझते हैं सर बट दिस टाइम नो सर नो 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 अच्छा क्या खबर लाए हो सर कल रात रवि मछेरों के गांव में उनके साथ नाच गा रहा था सिंगिंग डांसिंग और सर ड्रिंक भी वेरी गुड आई नो फंटास्टिक समाचार सर अब आप फौरन जाके मैडम को बता दीजिए बस फिर तो रवि का सिंगल डाउन और आपकी लाइन क्लियर देखा सर आपने अब आप हमको फूल नहीं कह सकते हाँ बट्टुकलाल अब मैं आपको फूल नहीं कहूंगा ब्लडी फूल कहूंगा तुम चाहते हो ये बात मैं मैडम को जाकर अभी बता दूं नहीं बट्टुकलाल नहीं रवि अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो जाने दो उसे मैं तो मैडम से उस दिन बात करूंगा जिस दिन मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि अब रवि का सुधरना मुमकिन ही नहीं मेरी माँ चले चलो तुम कितने बरस की थी जब तुम्हारी माँ 12 बरस खुशकिस्मत तुम्हें मुझसे 5 बरस ज्यादा माँ की मोहब्बत मिली मैं तो 7 साल का था जब मेरे माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए मेरी माँ एक गरीब डॉक्टर की बेटी थी और जैसे तुम अपने बाप के कामों में हाथ बटाती हो ना ऐसी थी फिर उसकी मुलाकात मेरे बाप से हुई जो एक करोड़पति माँ का इकलौता बेटा था दोनों में प्यार हो गया शादी कर ली मगर मेरी दादी उस शादी से इतनी नाराज रही कि उन्होंने अपने बेटे की आखिरी सांस तक उसकी सूरत नहीं देखी रवि सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे थे कितना प्यार था उनमें और जो कड़वी बातें हैं उन्हें भूल जाओ ये बात इसलिए याद आ गई कि एक बार फिर वही होने वाला है तुमने कुछ कहा नहीं मोना क्या कहा जो दिल चाहे सिर्फ दिल की चाहने से क्या होता है रवि जिंदगी की और भी तो सच्चाइयां हैं जैसे एक सच ये है कि हम दोनों दो अलग अलग दुनियाओं के वासी हैं मगर इन दोनों दुनियाओं में इतना फासला नहीं है जिसे हम दोनों मिलकर भी तय नहीं कर सकते लेकिन रवि तुम मुझे अभी जानते ही कितना हो और हाँ मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं जानता मगर जानना चाहता हूं सब कुछ जानना चाहता
तुम्हारी छोटी सी छोटी मामूली बात। मेरा दिल चाहता कि हम दोनों साथ बैठे रहें, तुम अपने बारे में बताती रहो, मैं सुनता रहूं, तुम्हें देखता रहूं, और हो सके तो सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाए। नहीं रवि, मैं एक गरीब लड़की हूं, मुझे ऐसे ख्वाब मत दिखा। गरीब तो मैं हूं मोना, किसी के प्यार का एक भी सिक्का नहीं मेरे पास। हो सके तो अपनी मोहब्बत की दौलत में से मुझे कुछ दे दो। तुम इनकार करोगी तो मैं चला जाऊंगा, जी लूंगा किसी तरह, मगर कसम खा के कहता हूं कि जिंदगी के हर लम्हे हर पल में तुम्हारी कमी महसूस करता रहूंगा। तुम्हारे बगैर गुजर तो जाएगी, लेकिन वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होगी मोना, नहीं होगी। तू जो नहीं तो मेरा।
क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? वो कश्ती। अरे कल तुम आए नहीं, इधर कहां थे? कल यहां आता तो मुझे अच्छा लगता है यार, खुला समंदर, खुला आसमान, खुले दिल के लोग। जितना यहां खुलकर सांस लेता हूं उतना ही मेरा दम घुटता है अपनी दादी मां के महल में यार। वो देख कैसे ये कश्ती लहरों पे डोल रही है, जैसे ये लहरें नहीं दिल की धड़कने हो, जैसे ये कश्ती नहीं कोई आरजू हो। वाह, अरे वाह, क्या बात कही है यार, तुम पढ़े लिखे हो ना, बात करना आती। मेरा क्या है कि ऐसे तो बकबक बहुत करता हूं लेकिन दिल की बात कहनी नहीं आती। क्यों, दिल में कोई बात है क्या? अरे दोस्त, वो दिल ही क्या जिसमें कोई बात ना हो। अच्छा लेकिन वो बात कही कैसे जाती है, ये मुझे सिखा दो। चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूं और तुम मुझे ऐसे कश्ती चलाना सिखा दो। क्यों ये? अरे इसमें क्या है, अभी सिखा देता हूं। ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। लेकिन अरे यार ठीक ही चला रहे हो यार, ये तो लगता मैं सीख जाऊंगा। हाँ तुम तो सीख जाओगे, लगता है मैं ही दिल की बात करना नहीं सीख पाऊंगा। अरे ना सीख पाए तो क्या है, हमसे कह दो। क्या कहना है, किससे कहना है? हम कह देंगे। अच्छा कह दोगे? अरे भाई जो कहोगे कह दूंगा, लेकिन कहूंगा किससे ये तो बताओ। हाँ, बताओ। हाँ अच्छा तो फिर बता दूं? अरे क्या बता दूं किया जा रहा है साला, बताता क्या? नहीं नहीं, राजा चले पियो 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 पियो। हाँ मिस जोसेफ, हाँ मिस जोसेफ, तुमको रास्ते में हिचकी आ रही थी। क्यों? इसलिए कि हम दोनों इतनी देर से तुम्हारी बातें कर रहे थे। ये रवि है, रवि दोस्त है मेरा। मैंने सोचा अपना घर दिखा दूँ। ये क्या? ये बेचारा ग्लास ऐसी लुढ़क गया। अरे तूने इसको कुछ पूछा उछा, कुछ खिला कुछ पिलाया, या यूं ही बैठकर मेरी बुराई कर रहा था? पूछा तो नहीं लेकिन पूछने वाला था। इसको किस चीज का ढंग नहीं। देखो तुम जरा बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक कप चाय बना के लाती हूं। नहीं आंटी, आप क्यों तकलीफ करती है, मैं तो बस जाने ही वाला था। आप बैठिए, मैं फिर घर चलूंगा। हां मैं समझ गई, जब तुम लोग दोनों दोस्त अकेले बैठे थे तो बहुत बातें कर रहे थे, अब मैं बिचारी बुढ़ी औरत आ गई हूँ तो भागने को कह रहा है। नहीं आंटी, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। राजा ने आपके बारे में जो कुछ भी मुझे बताया, जिस कदर आपने इसको अपना प्यार दिया है, मेरा बस चलता तो मैं तो अपनी किस्मत राजा से बदल लेता। हाँ नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी मिस जोसेफ को। अरे छोड़ तू मेरा राजा का दोस्त है ना? हाँ। तो फिर तू भी मेरा बेटा जैसा है। देखो हमारा घर छोटा है मगर हमारा दिल छोटा नहीं। तुम आया करो कभी कभी इसके साथ। आएगा। आऊंगा। यस, थैंक यू। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे अरे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अच्छा मिस जोसेफ, मुझे मालूम नहीं था कि अमीर लोग भी अच्छे होते हैं। क्यों? उनको गॉड ने नहीं किसी और ने बनाया है। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा तो होगा, दोस्त किसका है? ये लो तुम्हारा मटन पैड़े। और ये भाई, अरे चिल्ला मत, देती हो ना बाबा। तेरा तुम्हारा कीमा पाव ऑमलेट। अरे ओ मोना, सोडा को इतनी देर की? ए टोनी, तेरा तो सोडा। अरे आधा घंटा हो गया कब चाय के लिए। अरे ठहरो बाबा। अच्छा बात है, सुनिए। हाँ बोलो, क्या चाहिए?
एक प्लेट टाइम मिलेगा। अरे एक प्लेट टाइम खत्म हो गया। मोना जी पापा अब तो कल ही मिलेगा। अरे मेरी बात एक प्याली चाय देना मोना। एक प्याली दोस्ती की नजर और दो चम्मच मीठी मीठी बात। सॉरी आउट ऑफ स्टॉक। ये तुम्हारा मटन पैटिस और ये तुम्हारा। थैंक यू। एक पैकेट ग्लूकोज लाती हूँ। एक पैकेट प्यार भरी मुलाकात मिलेगी। सारे लोग बैठे और हाँ पापा शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ जाओ। नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता। प्लीज जाओ ना। अच्छा तो ये बताओ फिर कब मिलोगी? कल मिलूंगी। कल मेले में 5 बजे। मेले में 5 बजे। ओके ओके अब जाओ। ओके अब क्या देखो कैसे आदत हो जाती है। कल तुम नहीं आया ना तो दिन कुछ अधूरा सा लगा। हाँ कल नहीं आ सका बाबा। वो गांव के बाहर मेला लगा हुआ है ना वहां चले गए थे हम लोग मैं और मोना। ये जिंदगी भी एक मेला है रवि जहाँ लोग मिलते हैं और अक्सर भीड़ भाड़ में जो हाथ थामा था वो छूट जाता है। ये हाथ मेरे हाथ से कभी नहीं छूटेगा बाबा। ये नहीं होने दूंगा मैं। तुमने अपनी दादी से बात की है? नहीं की मगर कर लूंगा। उनकी परेशानी नहीं है मुझे बाबा लेकिन मोना के पिताजी से भी तो बात करनी पड़ेगी। समझ में नहीं आता मैं कैसे उनके सामने। बाबा मुझे तो लगता मैं घबरा जाऊंगा। तो किसी और से बात करवा लो। किसे? कोई भी जो तुम्हें भी और डिसिल्वा साहब को भी जानता हो। मुझे भी मैं तो बस राजा को। राजा? अरे हाँ राजा। अरे बाबा बाबा थैंक यू वेरी मच। मैं अब भी चला। अरे कहाँ चला? अरे बाबा कल करे सो आज कर आज करे सो अब। मैं अभी जाके राजा से बात करता हूँ कि वो अभी जाके डिसिल्वा साहब से बात करे कि वो अभी। राजा ओहो ये सब क्या उठा लाई हो मिस जोसेफ? अरे ये सब नहीं बाबा। तू बोल रहा था ना घर को बाहर से पेंट करना है। पकड़ ले अगर कम पड़ जाए तो और ले आऊंगी। ये तो ठीक है लेकिन अरे ये क्या लाल रंग? ये रंग लगाऊंगा तो लोग समझेंगे घर खून से पेंट कर दिया। खून रे खून ये है? मोना राजा मैं आ गया। मोना राजा राजा क्या हो गया? राजा पता नहीं बहुत ठंडा लग रहा है। वो चार थे मैं अकेला था। क्या? लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मोना मेरे लिए? हाँ मोना तुम्हारे लिए। मोना तुम्हारे घर की दीवार के पीछे चार बदमाश थे। चार बदमाश? हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो राजा? तुम्हें उठा ले जाने का प्लान बना रहे थे। मैंने सुन लिया और उन लोगों ने मुझे सुनते देख लिया। अरे बाप रे फिर क्या हुआ? फाइटिंग शुरू हो गई। वो घूसे मैं लात से सॉरी वो जुड़ो मैं कराटे। फिर उन चारों ने चाकू निकाल लिए। ओह माय गॉड चार चाकू। एक चाकू पर हेड। राजा तुम कहीं फिर मजाक तो नहीं कर रहे हो?
राजा, मिस जोसेफ। राजा मर गया। मरना मत, प्लीज मरना मत, प्लीज मिस जोसेफ। देखिए ना मिस जोसेफ, क्या कर लिया इसने, प्लीज क्या हो गया इसको? देखो बेटा, इसने लाल रंग के डब्बे को खुला धूप में छोड़ दिया। लाल रंग का डिब्बा? ये डिब्बा लाल रंग का? ये वो क्या करता क्या है तू? ये लाल रंग तूने अपने कपड़ों पर क्यों लगा लिया? मैं बताती हूँ, लेकिन पहले इसको गिरा और पीठ में चाकू देखा। एक बात बताओ, तुम ये सब सूचता कैसे? बस जब मिस जोसेफ वो लाल रंग का डब्बा लाई, उसे देखकर मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया खून। अरे तुम मोना की सूरत देखते ऐसी डर गए। यार वो डरती कैसे नहीं, तुमने भी तो ये यार तुम बड़े खतरनाक आदमी हो। वो तो हूँ, आज सवेरे से सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा चलो हफ्ते भर का कोटा आज ही पूरा कर लो, जो जी में आए कहो। अच्छा जो जी में आए कहो। हाँ कहो, लेकिन जल्दी कहो, इसलिए कि आज मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ तो सुनो, मैं एक लड़की से बहुत 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 प्यार करता हूँ और ये सच है। हमें कौन है वो लड़की? वो लड़की बहुत 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 अच्छी है, और वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों की शादी हो जाएगी। ठीक है मगर, अरे लेकिन कौन है वो, उसका नाम क्या है? नाम उसका नाम है मोना। तुम कभी अभी आना था? ये क्या कर रही हो? फुटबॉल खेल रही हूँ। कोई गोल हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, मगर अभी पापा को भी आज ही मार्केट जाना था। इतने सारे काम अकेली मैं कैसे करूंगी, पागल हो जाऊंगी। अकेले क्यों, मैं जो हूँ। आउट। राजा मैं तुम्हारे बिना क्या करती? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज रात मेरे साथ रेलवे क्लब चलोगे तो बड़ा मजा आएगा। हर साल की तरह आज भी पार्टी है और 10 रुपए का टिकट है। बहुत दिन हुए यार डांस नहीं किया, चलो डांस करेंगे। यहाँ सुबह से मेरा डांस हो रहा है और तुमको? अरे मोना काहे को इतना देर लगाती है, हमको काम पर जाना है। अरे जाना तो मुझे भी था कहीं, लेकिन नहीं जा सकी। देखते नहीं मैं अकेली हूँ, बस मिल जाओ इतना काफी समझो। चलिए टोनी आया, 5 नंबर 7 नंबर फटाफट। ये 3 नंबर टेबल का पैसा। ए मोना दोन फेरने का काय झालं ग? अरे बॉस रे दीता दीता। मोना। हाँ मोना मोना। अरे क्या है? चल ना यार। कैसे जा सकती हूँ, देखते नहीं मुझे सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं सर, मैं खुजा देता हूँ, शाम को चलना है। हाँ। लेके जा। मैंने सोचा आप रवि को भी बुला लूँ। हाँ कौन कौन आया? ठीक है 7 बजे के बाद, तब तक पापा भी आ जाएंगे। ये हुई ना बात, शाम को 7 बजे। अरे सुनो रवि को बुला लूंगा। नम 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 नम
क्या थी वहां डांस क्यों नहीं किया तुमने? बस ऐसे ही। ओ गॉड, मैं तो थक गई। ये राजा भी, इसके पैरों पर तो जैसे पर लगे हैं, है ना? He's so good। मगर एक बात बता दूं, कोई दूसरी लड़की इसके साथ ऐसा डांस कर भी नहीं सकती। हम लोग इतना अच्छा डांस कर रहे थे, तुमने देखा ही नहीं। जितना देख सका उतना देखा, फिर बीच में दूसरे आ गए। खैर कोई बात नहीं, राजा का है? देखो ना, मुझे फ्लोर पे छोड़ के बियर पीने चला गया, पूरा पागल है। मोना, ये राजा शादीवादी क्यों नहीं कर लेता? इसलिए के चलो जाने दो। अरे तुम कुछ पी नहीं रहे? बाद में पी लूंगा, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रवि, राजा और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं। वो मुझसे कुछ कहे ना कहे, लेकिन मैं जानती हूं वो सोचता है कि आज उसके पास है ही क्या, क्यों किसी से अपनी गरीबी बांटे। वो उस दिन शादी की सोचेगा जिस दिन वो कुछ बन जाएगा। और तुम भी समझती हो कि उस दिन से पहले राजा को शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। मगर उसे कौन समझाए कि आज अगर वो चाहे तो उसे अपनी मनपसंद लड़की मिल सकती है। मगर वो तो बस एक ऐसे दिन के इंतजार में बैठा है जो पता नहीं कभी आएगा भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर क्या करें, ऐसा हो रहा है जबकि ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? यही कि अंदर पार्टी चल रही है और तुम दोनों यहाँ खड़े हो। देखो रवि, तुम आए तो मुझे छोड़कर भाग आई, देखा क्या जमाना है। मैं क्या करती, तुम तो खुद जो हो गया सो हो गया। अब चलो डांस करें। आओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे खींच के? अरे ठहरो, मेरे जूते। देर पे हो गए। रवि, रवि समझाओ ना इसे। आओ, रवि, आओ ना तुम भी। अंकल, राजा बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान है। उसका काम शुरू हो जाएगा, मुझे यकीन है कि वो धीरे धीरे करके आपके पैसे भी लौटा देगा, वरना मैं जिम्मेदार हूं। नहीं, इसकी फिक्र नहीं है मुझे। तुम्हारे बाप के बहुत एहसान है मुझ पर। शुक्ला अंकल, एक बात याद रखिएगा, आप जब भी राजा से मिले उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप उसे मेरे कहने पर, बल्कि उसे यह भी नहीं मालूम होना चाहिए कि आप मुझे जानते तक हैं। प्लीज। ठीक है, उसे यही लगेगा कि मैंने यहाँ की मार्केट में कहीं उसके बारे में सुना था और ये पैसा मैं उसे एक बिजनेसमैन की हैसियत से दे रहा हूं। यही चाहते हो ना तुम? जी। चलो अच्छा है, वो लड़का तुम्हारा दोस्त है, उसका भला हो जाएगा। उसके पास अगर अपनी 4-5 कश्तियां हो गईं, तो अच्छा खासा कमा लेगा। अंकल,
राजू को ये कश्तियां पैसा कमाने के लिए नहीं चाहिए, उसकी जिंदगी की एक मंजिल है और वो अपनी मंजिल तक शायद इन कश्तियों में ही पहुंच सकता है। रेशम सिंह जी साहब, यह खत गांव में डिसिल्वा साहब की बेटी मोना तक पहुंचा दो। अच्छा साहब, बाबा तुम कहां थे बेटा? वो रोज यहां आके तुम्हारी राह देखती है। मैं आज ऐसे जा रहा हूं बाबा। कहां जा रहे हो? यहां से दूर, अभी तक तो मुझे बस इतना ही पता है। लेकिन अचानक इस तरह मोना के बारे में सोचा है तुमने? उसकी सेवा किसके बारे में सोच सकता हूं बाबा, जितना सोचा बस यही समझा, उसकी जिंदगी में मेरे सेवा भी बहुत कुछ है। मैं नहीं हुआ तो क्या, सागर की एक मौज एक लहर कम हो जाए तो सागर तो कम नहीं हो जाता बाबा, दो चार दिन में मुझे भूल जाएगी। और तुम? मैं उसकी याद की सारी जी लूंगा। सोचे जाने से पहले एक बार आपसे मिलता जाऊं। अच्छा बाबा, मुना ये मेरा नहीं जिंदगी का फैसला है कि मुझे तुमको भूलना होगा। मैं तुम्हें भुला तो नहीं सकता, हाँ तुमसे दूर जा सकता हूं, सुझा रहा हूं, लेकिन जहां भी जाऊं तुम्हारी याद मेरी बांध थामे हमेशा मेरे साथ चलेगी। तुम्हारे चेहरे का फूल हमेशा मेरी आंखों में खिलता रहेगा, तुम्हारे बालों की खुशबू हमेशा मेरे कंधे पर यूं ही सर झुकाए रहेगी। हो सके तो मेरी मजबूरी को मेरी बेवफाई समझ लेना, मुझे भुलाना ज्यादा आसान हो जाएगा।
ये ठीक नहीं है। ये तुम्हें क्या हो गया रवि? तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, मगर मेरा दोष क्या है ये तो पूछ सकती हो? दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा है मोना। मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हें तुमसे नहीं मांग रहा, किसी और से छीन रहा हूं। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं राजा की बात कर रहा हूं मोना। राजा? मैं नहीं जानता था कि राजा तुम्हें चाहता है और तुम भी उसे पसंद करती हो। राजा मुझे चाहता है? मैं राजा को पसंद करती हूं? तुमने मेरी किस बात का ये मतलब निकाला रवि? मोना, जो मैं कह रहा हूं वो सब राजा ने खुद मुझसे कहा है। क्या? अगर राजा ऐसा सोचता है तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं कहूंगी उसे, लेकिन इसकी सजा तो मुझे क्यों दे रहे हो रवि? मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। तुम भूल भी जाओ मुझे, छोड़ भी दो मुझे, कभी ना मिलो मुझसे, कभी मैं तुम्हारी रहूंगी। मैं किसी और की हो ही नहीं सकती रवि, मुझसे दूर मत जाना रवि, मैं मर जाऊंगी। चक्कर तो आज मुझे आ गया जोसेफ, वाह क्या लौटने लगी है। अरे छोड़ दो मुझे। अरे क्या हुआ? मैं भी तो सुनो। सॉरी 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 मिस जोसेफ, जो चाहिए था वो हो गया। मैं रेत पर अपने पुराने जाल ठीक कर रहा था और सामने क्या देखता हूँ, एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी और सूट बूट पहने हुए एक आदमी उतरा। कौन था वो आदमी? वो इस एरिया का बहुत पैसे वाला आदमी है, आरसी शुक्ला। आरसी शुक्ला? हाँ, उसने कहीं सुना होगा मैं इस गांव का सबसे अच्छा मछेरा हूँ। अरे मैंने थोड़ी कहा, किसी ने कहा होगा। वैसे तो मैं हूँ भी। काम की बात सुनो, वो पैसा लगाना चाहता है, वो इतना पैसा देने के लिए तैयार है कि मैं अपने लिए 4-5 खश्तियां खरीद सकता हूँ, जाल वाल खरीद सकता हूँ, खुद अपना काम शुरू कर सकता हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं खुद की कंपनी खोल सकता हूँ। मजाक कर रहा है फिर? नहीं, सच है, सच। तू सच कह रहा है? कसम से मुझे तो यकीन नहीं आता। थोड़ी देर के लिए मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा सपना एक दिन इस तरह सच हो सकता है, लेकिन हो गया। शुक्ला साहब ने 4 दिन के बाद मुझे बुलाया है ऑफिस में। अरे रे 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 रे। इस जोसेफ, याद है क्या मैंने बोला था? एक दिन तुम इसी पानी में राजा को खुद अपनी कश्ती में जाते देखोगे, याद है? मुझे तो सब कुछ याद है। उस दिन तूने एक और बात कही थी, वो तुझे याद है? सब याद है, लेकिन अब मैं मोना से जाके कहूंगा। क्या कहूंगा? मैं जिस दिन के इंतजार में था वो दिन आ गया मोना। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता हूं और मैं कहूंगा। अच्छा, जब मैं ये सब कहूंगा तो मोना क्या कहेगी? अरे पगले, मुझे क्या मालूम, तू उसी से क्यों नहीं पूछता है जाकर? हाँ क्यों, साला बुद्धू। मैं अभी जाके उससे मिलूंगा, अभी जाके सब। अरे गुड लक तो बोलो। गॉड ब्लेस यू। हाँ गॉड ब्लेस। गुड। अरे रे रे रे, वो पौड़ा है तो ठीक कर ले। Thank you.
अच्छा आ जा, चलो उठ, बहुत देर हो गई। मिस जोसेफ, कल जब मैं बोल के गया था ना, हुआ क्या के सुरक्या ने मुझे पकड़ लिया। अपना सुरक्या बोला के सुना साला तुम बड़ा आदमी हो गया, दारे पिलाओ। उसको तो मैं टाल देता, इतने में सब जमा हो गए, टॉनी, जगन, डेविड, शंकर, सब सब बोले साला तुम्हारा तो नसीब खुल गया, हमको दारू पिलाओ अभी। मैं क्या करता, पिलानी पड़ी, और खुशी में मैं भी कल तो साला वो चीना भी सब सब गड़बड़ हो गया। राजा, कल रात तूने अपनी आधी बेहोशी में मुझे सब बता दिया। परसों पहले वहां कहीं एक जहाज के साथ मेरा सब कुछ डूब गया था और मैं अकेला रह गया था। उस दिन एक तुम ही थी जिसने मुझे, और आज भी बस तुम ही हो मिस जोसेफ। आज फिर मेरा सब कुछ डूब गया, आज फिर मैं अकेला रह गया हूं। ये मेरे साथ क्यों होता मिस जोसेफ, मेरे साथ क्यों होता? नहीं विजय, नहीं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो राजा। मैं नहीं जानती जो मैं कहना चाहती हूँ, मगर ना कहूँ ये भी ठीक नहीं। राजा, राजा ऐसा नहीं कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरे बचपन के दोस्त हो, और अपने बचपन के दोस्त को हमेशा मैंने एक ऐसा दोस्त ही समझा जो हंसता रहता है, हंसाता रहता है, और तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती थी, लेकिन जब रवि से तुमने जो भी कहा उसके बाद उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया, और मिला तो मेरे बात पूछने पर उसने ये सब बताया। वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहता था, और उसने कहा कि अगर वो पहले जानता तो वो कभी मेरे इतने करीब ना आता। राजा, मैं तुम्हें कोई दुख देना नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूं कि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिले, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? झूठ बोलू तुमसे? इसलिए कि सच तो यह है कि मैं रवि से प्यार करती हूं। हो सके तो मुझे
क्या हुआ? ये इस तरह हंस क्यों रहे हो? हो सके तो मुझे माफ कर दे। बात क्या है? बात तो मैं बताने वाला नहीं था, मगर अब तुमने रोना धोना शुरू कर दिया इसलिए बता देता हूं। बात यह है कि तुम बिल्कुल इडियट हो, बेवकूफ हो, बुद्धू हो। अरे पागल, यहां कुछ है कि नहीं? नहीं? क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम समझती हो, तुम्हारे और रवि के बारे में अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मुझे पता ही नहीं। मैं अंधा हूं क्या? सब पता था मुझे। अरे मैंने कहा ठीक है, दोनों मुझे ही नहीं बता रहे तो मैं बताता हूं इन दोनों को, ऐसे चक्कर में डाल दूंगा कि सुनो, पहले मैंने रवि को पकड़ लिया और वो बुद्धू फौरन मान गया, लेकिन मुझे डर था जब वो तुमसे कहेगा तुम समझ जाओगे। लेकिन तुम तो उससे भी बुद्धू निकली, देखा आगे ना दोनों चक्कर में। ये सब मजाक था। मजाक नहीं तो और क्या। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, हंसता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ। एक छोटा सा मजाक किया और तुम रोने लगी। ऐसा भी कोई मजाक करता है राजा? तो फिर कैसा होता है मजाक? तो बताया तुम्हें ऊपर से जूते बस। नहीं अब कहाँ जाओ? बचाओ ये लड़की पागल है। ये झूठे। नहीं छोड़ मुझे। या तो गुस्सा कर लो या हंस लो, दोनों। पागल लड़की, बहुत खराब हो। वो तो क्या करूं? ये लेकिन एक बात है, आओ हाथ पकड़ो, पकड़ो। देखो देखो, मैंने तुमको सब बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है तुम फौरन जाके रवि को बता दो, थोड़ा और परेशान करते हैं उसको। वो ऐसे ही बहुत परेशान है। अरे सिर्फ 5 मिनट के लिए? नहीं। 2 मिनट? लेकिन देखो ज्यादा मत सताना है। मैं समझा नहीं राजा। मैं तुम तो कह रही मैं समझा था। देखो रवि, बेहतर यह है कि तुम मोना को भूल जाओ। वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकेगी। मेरी बात अलग है, मोना और मैं एक ही गांव के हैं, हमारी जिंदगी एक है। और मोना, ए मोना, तुम ही समझाओ ना इसे। रवि, राजा ठीक ही कहता है। मैंने भी यही फैसला किया है कि मैं अरे मोना तुम, अरे यार जरा सी हंसी नहीं रोक सकते तुम? अपनी कर देना गड़बड़। बस मुझे और नहीं रुक सकती थी हंसी। देख रहे हो उसकी सूरत? ऐसी सूरत ही तुम्हारी। क्या किस्सा क्या ये? तुम हंस क्यों रहे हो? अरे रवि, ये सब इस
राजा की चालबाजी थी। ये सब इस बदमाश का मजाक था। मगर वो मजाक नहीं था मोना, उस दिन राजा ने मुझसे मजाक नहीं किया था, इससे खुद पूछो तुम राजा। मोना मेरी बात मानो, उस दिन से मुझे। अरे रवि, तुम इस राजा को नहीं जानते, देखा ना अभी कितना गंभीर होकर बात कर रहा था। अगर मुझे हंसी नहीं आती ना तो फिर आज भी नहीं। नहीं आज तो मैं बताने वाला था। मैं देखो रवि, ये सब मजाक था। याद है उस दिन हम दोनों मोटरबाइक पे यहीं आए थे? हाँ याद है। और मैंने क्या कहा था? आज सवेरे से मैं सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ। और तुमने क्या कहा? ठीक है, हफ्ते भर का कोटा आज ही पूरा कर लो, जो दिल में आए कहो। कहा कि नहीं? हाँ कहा था। हाँ, उसी के बाद मैंने ये सब कहा था, फिर भी नहीं समझे? हाँ 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 हाँ, सुना अब कह रहा है हाँ। तू वाकई बड़ा खतरनाक आदमी है यार, तूने तो हम दोनों को बड़े धर्म संकट में डाल दिया था ना। और क्या, दोस्त से कोई बात छुपाओगे तो यही सजा मिलेगी। अरे उस दिन मैं यही तो बात तुमसे कह रहा था। तो फिर कहा क्यों नहीं? कैसे कहता तुमने अपना ये मजाक? आज कितना हंसे हम लोग, है ना? हंसते हंसते आंसू निकल आए। छोड़ो, मैं एक बात कहूं, दिल से दुआ है मेरी तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं जानता हूं ये तुम्हें बहुत चाहती है, वादा करूं तुम हमेशा इसका साथ निभाओगे। राजा ये मेरा वादा है, मोना से भी और तुमसे भी। देखो ये अंगूठी मेरी मां की निशानी है, और तुम गवाह हो राजा, मैं तुम्हारे सामने ये अंगूठी मोना को पहनाना चाहता हूं। मोना ये अंगूठी मेरी मोहब्बत का इकरार भी है और जिंदगी भर का वादा भी। आज का दिन भी याद रहेगा। हाँ याद तो रहेगा। अरे कोई सेलिब्रेशन हो जाए, कुछ खुशियां मनाए क्यों? इससे कहो इसी ने हम दोनों को इतना सताया है, इसकी सजा ये है कि पार्टी इसी को देनी होगी। लो ये भी कोई सजा है। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चला। अरे अरे कहाँ चला? अरे पार्टी वार्टी करनी है, कुछ तैयारी तो करूं आज रात मेरे घर। हाँ रवि, इसके एक मजाक ने हमें कितना भी दुखी किया हो मगर ये कितना प्यारा दोस्त है ना? Ha ha ha!
सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है। हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिले, एक हम सफर हर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं सवार दे, वो ही दिलदार है मेरे, ओ यार मेरे। राजा के घर अच्छा मजा आया और सुना है आज मिस जोसेफ और राजा गोवा चले गए कुछ दिनों के लिए। हाँ, वो मिस जोसेफ की बहन रहती है ना वहाँ। हाँ, ये रवि मैं तो कुछ जानता नहीं, अच्छा ही लड़का है, क्यों? पापा, जो पूछना चाहते हो वो पूछ क्यों नहीं लेते? मैं क्या पूछना चाहता हूँ? अच्छा, तुम मत पूछो, लेकिन मैं जवाब दे देती। हाँ पापा, रवि और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और इस बारे में वो खुद तुमसे बात करना चाहता है। बेटे, तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुमने कभी सोचा है कि वो कौन है और हम कौन हैं?
वो हमसे बिल्कुल अलग लोग हैं बेटे। हम लोग गरीब हैं, हम छोटे लोग हैं। नहीं पापा, अमीरी गरीबी से लोग छोटे बड़े नहीं हो जाते। ना रवि ऐसा सोचता है और ना मैं। तुम एक बात सच बताओ, क्या रवि तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं बेटी, मैं तो जो तुझे पसंद वो मुझे पसंद। ओ पापा, बेटे मैं तो बस ये चाहता हूं कि कल तुझे कोई दुख ना हो। वो कमला देवी जानती है तुझे। आज ही रवि मुझे उनसे मिलाने ले जा रहा है। विक्रम, तुम कहना चाहते हो कि मेरा रवि एक मामूली से होटल वाले की लड़की के साथ? नहीं, मैं नहीं मान सकती, ये कभी नहीं हो सकता। अरे घबराती क्यों, आओ ना। और सुनो बाबा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आओ तो सही। सुनो ना रवि, प्लीज। नमस्ते साहब। हाँ रेशम सिंह, दादी माँ का दादी माँ जी। वो तो विक्रम साहब के साथ पालनगर गई हैं। पालनगर कब गई? अभी 4 बजे कह के गई, कल सुबह आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो फिर वापस चले। चलते हैं बाबा, तुम्हें जल्दी क्या है, चलते हैं। रेशम सिंह जी, तुम सब नौकर आज छुट्टी बनाओ। मैडम, रेशम सिंह का फोन था। आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा था ना, खुद ही चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। आप तो यहाँ घर से 50 मील दूर पालनगर में बैठी हैं, और वहाँ बंगले पर रवि ने सब नौकरों को छुट्टी दे दी है, और इस वक्त रवि और वो लड़की बंगले में अकेले हैं। गाड़ी निकलवाओ, मैं अभी घर वापस जाना चाहती हूँ। जी। मुना! 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 अरे बोलो, सुनो तो। कहा किया तो कुछ नहीं ना। देखो
तेरे मम चलते हैं, तन्यों ही जलते पिघलते हैं। मैं आप ही से मिलाने लाया था, लेकिन वो आप थी नहीं तो वो तुम कहाँ रहती हो? जी जी मैं जी यही पास गांव में रहती है। देर हो गई है, जाओ इसे छोड़ा। जी हाँ देर तो हो गई है, लेकिन मैं ठीक है, फिर किसी दिन मैं ले। हाँ फिर किसी दिन। जी चले। तारीमा आप जब कहें मैं मोना को ले आऊं आपसे मिलाने के लिए। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे देख लिया है, उसके बारे में तुमसे सुन लिया है, अब उससे मेरा मिलना जरूरी नहीं है। मगर दादी मां एक बार अगर तुम मोना के बाप से कहना कि मुझसे आके मिल ले, यही चाहते थे ना तुम? ठीक है उसे मेरे पास भेज दो कल सुबह जी 10:30 बजे। बेटे तुझे ठीक लगता है मेरा वहां जाना? मेरा दिल कहता है कि वह हम जैसे लोग नहीं हैं। ओ पापा फिर वही, हमको उन लोगों से क्या मतलब, रवि तो अपने जैसा है ना। पास चलो उठो भी, 10:30 बजे पहुंचना है तुम्हें। ओके ओके गुड मॉर्निंग मैडम। मैं तुम उस लड़की के बाप हो। रवि तुम्हें क्या लगता है वो लोग इस वक्त बात कर रहे होंगे? हूँ का क्या मतलब है, या बात कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे बाबा। तो तुम क्यों चुप हो, तुम भी कुछ बात करो ना। मैं सोच रहा था मोना यहीं कहीं इसी साहिल पर मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, याद है जब तुम जलपरी बनी समंदर से निकल रही थी और आज हमारी शादी की बात हो रही है। इसे धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दो। चल बाहर छोड़ दो। अरे तुम ये पैसों की घोस किसी और पर जमाना, मेरी बेटी तो थूकेगी भी नहीं तेरे पैसे पे। मेरी बेटी की बात करती है, अरे हम गरीब हुए तो क्या हुआ, तुझ जैसों से तो कहीं अच्छे हैं, कहीं अच्छे हैं तुझ जैसों से। अच्छा तो मैं चलो ठहरो ना रवि, देख तू पापा शायद आए गए हो। एक तरफ हटो हटो, अरे भाई को दौड़ के जाओ, चल भाई चलो। पापा पापा क्या हो गया पापा को, क्या हो गया पापा को? पापा आंखें खोलो ना, पापा तुम तो कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ पापा को, क्या हुआ?
ये कुछ मालूम है क्या हुआ डिसलवा अंकल को? अरे कमला देवी के आदमियों ने मारा है बेचारे को। अच्छा दादी माँ, क्या समझती हैं आप अपने आप को? कौन है आप? आप में कोई तहजीब कोई शराफत है कि नहीं है? उन्हें आपने बुलाया था दादी माँ, आपने खुद बुलाया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप उस शरीफ इंसान को इस तरह बेइज्जत करने के लिए बुला रही हैं। बेवकूफी की बातें मत करो। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। और आपकी नजरों में इज्जत सिर्फ आपकी है, इसलिए कि आपके पास पैसा है। मगर एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मिस्टर डिसलवा आपके पास कोई भीख मांगे नहीं आए थे। आपको कोई हक नहीं था कि आप उनके साथ इस तरह। बदतमीजी तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, और ये छोटा सा लफ्ज डिसलवा जैसे छोटे आदमियों के लिए कितना सही है। बात करने की तमीज नहीं उसमें। मैंने उससे कुछ कहा और वह आपसे बाहर हो गया। आपने जरूर उनसे कोई बहुत ही घटिया बात कही होगी। डिसलवा या उसकी बेटी के बारे में जब भी कोई सच बोला जाए घटिया ही होगा। इस तरह के जाहिल लोगों को जबान पे तो काबू होता नहीं। चिल्लाने लगा, बस मेरे नौकर आ गए और उन्होंने। आपके नौकरों की हिम्मत कैसे हुई डिसलवा साहब पे हाथ उठाने? मेरे नौकर मेरा नमक खाते हैं, और मुझसे कोई ऊंची आवाज से बात करे वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको मिस्टर डिसलवा और मोना से माफी मांगनी पड़ेगी। रवि, तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो, इसलिए कि यह बात सिर्फ मुझसे कोई पागल ही कर सकता था। मैंने ये बात आज तक किसी से नहीं सुनी। तो वो बात कहता हूं जो आप एक बार पहले भी सुन चुकी हैं, अपने बेटे से। मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूं। मेरा मशवरा है कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, इसलिए कि अरुण जिस दिन घर छोड़ के गया था मैं उसे भूल गई थी। लेकिन शायद मैंने गलती की थी, शायद मैं उसके बाद भी कोशिश करती तो मैं उसे बचा सकती थी। लेकिन अगर तुम घर छोड़ोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगी। मैं जानती हूं कि वो लड़की तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं है। तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी उस लड़की के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। दादी मां, आपसे पहले भी दुनिया में ऐसे इंसान पैदा हुए हैं जिन्हें आपकी तरह खुदा होने पर यकीन था, लेकिन ना वो खुदा थे और ना आप खुदा। आपकी खुदाई आपकी कंपनी आपके बंगले की चार दीवारी के अंदर है, और मैं आज इस चार दीवारी से बाहर जा रहा हूं। उधर कहाँ जा रहे हो साहब? मैं मिस्टर डिसलवा से मिलने आया हूँ। अभी तसल्ली नहीं हुई तुमको? अरे हम सब जानते हैं उस बेचारे को किसने मारा है और क्यों मारा है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ आप लोगों को एक कभी गांव में दिखाई दिया तो टुकड़े कर दूंगा तेरे। क्या रे, तू क्या समझता है कि हमारे गाँव की लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है? हमारे आदमी को बुला के मारते हो तुम लोग? देखो देखो जो कुछ भी है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो खुद। तू कहाँ जा रही है बेशरम? मुना रवि रुक जाओ, देखो मत मारो इसे, इसे मत मारो। मुना मैं इसका कोई कसूर नहीं है। उठ जा, उठ। बाप अंदर बेहोश पड़ा है, और अब क्या तू सारे गांव की नाक कटवाने जा रही है? चल अंदर। आप लोग समझते क्यों नहीं? मोरो चल अंदर, मोरो मोरो साले को यहाँ से। देखो मुझे किसी को साथ मिलने को मुझे चल ऊपर चल बोले मैं इनको रवि को छोड़ दे।
रखो, मेरी बात सुनो। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हम लोग सब बैठेंगे, तुम छोड़ दो। मारिया, मारिया प्लीज। मोना, मोना। छोड़ो मुझे, मैं जाता हूँ। छोड़ो मुझे। मोना, मोना मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ के आ गया। इन लोगों को समझाओ, तुम लोग समझते क्यों नहीं भाई हो? जो कुछ भी हो उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं तो डिसिल्वा साहब से माफी मांगने आया था। ले जाओ साले को, फेंक दो गांव के बाहर। नहीं नहीं, अरे जुर्म मत कीजिए। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। रवि बेटे, रवि ये काम दो दिन के अंदर हो जाना चाहिए। गांव के सारे मछेरों की हुंडियां, कर्जे के कागजात, जो कुछ भी यहां के महाजन और ठेकेदारों के पास है खरीद लो। लेकिन मैडम, हो सकता है कोई महाजन या ठेकेदार तैयार ही ना हो कि हम दुगनी चौगनी कीमत दे देंगे। पैसा मिलेगा तो कौन इनकार करेगा? मुंशी जी, और कितने आदमी बचे? इनके नाम जो कोर्ट के ऑर्डर है दे दो, बस खत्म करो ये सारी कार्रवाई। मनसाराम, कौन है मनसाराम? बास्को, ये क्या है रे? ये सब पुलिस क्यों आई है? अरे हो गया जो होना था। गांव में कोई मछेरा नहीं जिसके पास एक भी नाव बची हो। सब पर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अरे अंधेर है क्या? मैं अपनी नाव नहीं ले जाने दूंगा। तेरा भी नाम पुकारा है क्या? बाबू साहेब, मैं अपनी नाव नहीं दूंगा। बाबू साहब, अरे अगर हम नाव दे देंगे तो खाएंगे कहाँ से? अरे भैया, तुम लोग भी तो कुछ बोलो। मैली साहब जी, जरा पेपर दीजिए। ये लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? सुर्खिया। ये दस्तखत तुम्हारे हैं? जी हाँ। सुर्खिया, तुम पर लाला युद्धराज का उधार बाकी है। 4 महीने से तुमने सूद भी अदा नहीं किया है और इसमें साफ लिखा है कि वो जब चाहे तुम्हारी नाव ले सकता है। मगर वो मेरे और लाला के बीच की बात है। तुम लोग कौन होते हो? लाला ने ये कागज, यानी वो नाव जिसे तुम अपनी कह रहे हो, कमला देवी के हाथ बेच दी है। अरे कैसे बेच दी है? हैं? मैं देखता हूँ कौन ले जाता है मेरी नाव। देखो, जो बात करो कानून के अंदर करो, वरना थाने में बैठोगे। भली साहब जी, आप भी जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है। मुंशी जी, आप अगला नाम पुकारिए। मैंने कहा ना तुम लोगों से, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाबूजी, मछेरे से उसकी नाव छीन लोगे तो वो तो बेचारा डूब जाएगा। देखो, इस बात का फैसला सिर्फ मैडम ही कर सकती हैं। तो हम सब मैडम से मिल सकते हैं? नहीं, लेकिन हाँ, अगर डिसिल्वा की बेटी मोना उनसे मिले तो शायद वो मान जाए। क्या हुआ? आप लोग सब यहाँ इस तरह? मोना, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। गांव वालों ने तुम्हें भेजा है इसलिए कि वो जानते हैं कि आज उनका सारा गांव मेरी एड़ी के नीचे है। एक पल में मसल सकती हूं। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? इस गांव से क्या दुश्मनी है आपको? तुम इस गांव में रहती हो। मैं? देखिए, मैं रवि से प्यार करती हूँ और अगर ये जुर्म है तो इसकी सजा मुझको मिले। दूसरों को क्यों? उनका तो कोई दोष नहीं। अच्छा, तो तुम्हें उनसे हमदर्दी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं उन्हें जिंदा रहने दूं तो तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि इस पल के बाद तुम्हारा रवि से कोई संबंध नहीं रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसका कोई ख्याल नहीं आपको? और तुम्हारी वजह से सारे गांव की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसका ख्याल है तुमको? तो फिर
क्या करूं मैं? मैं तुम्हें 7 दिन दे सकती हूं, किसी और से शादी कर लो जी, ताकि रवि को यकीन हो जाए कि तुम हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा चुकी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हुआ तो 7 दिन बाद गांव का हर आदमी बेघर और बेरोजगार होगा, और उसकी जिम्मेदार मैं नहीं तुम होगी, सिर्फ तुम। देखिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए मुझ पर। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, कभी रवि का नाम नहीं लूंगी, कभी बात नहीं करूंगी उसके, मगर किसी और से मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मुझे नहीं होगा, नहीं होगा। और हाँ, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं। 7 दिन में तुम्हारी शादी किसी और से हुई या नहीं मुझे पता चल जाएगा, और गांव वालों को भी। तुम इनकार करोगी तो मैं चला जाऊंगा, झेलूंगा किसी तरह, मगर कसम खा के कहता हूं कि जिंदगी के हर लम्हे हर पल में तुम्हारी कमी महसूस करता रहूंगा। तुम्हारे बगैर गुजर तो जाएगी, लेकिन वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होगी मोना, नहीं होगी। तो 7 दिन बाद गांव का हर आदमी बेघर और बेरोजगार होगा, और उसकी जिम्मेदार मैं नहीं तुम होगी, सिर्फ तुम। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता बाबा। लेकिन दुख की बात तो ये है बेटा कि ये सही है, 2-4 दिन में मोना की शादी हो जाएगी। लेकिन लेकिन किसे बाबा? ये तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन गांव वालों से सिर्फ इतना पता चला है कि ये सब तुम्हारी दादी के दबाव की वजह से हो रहा है। मान गए दादी माँ, मान गए। मेरी जिंदगी में वही होगा जो आप चाहेंगे, और जो आप नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। आप नहीं चाहेंगे तो मैं मोना से नहीं मिल सकूंगा। मेरी जिंदगी पूरी तरह आपके कब्जे में थी, है और रहेगी दादी माँ। अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारी जिंदगी वापस तुम्हें सौंप दूंगी। नहीं 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 दादी माँ, मैं यहाँ वापस आने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था कि मेरी जिंदगी आपके हाथों में होगी, मगर मेरी मौत मेरे हाथों में। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूं कि मोना की शादी हो जाएगी, मगर वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर मेरी जिंदगी आपके इन हाथों में है तो मोना की शादी के दिन आपके दोनों हाथ खाली होंगे। आप जीत गई दादी माँ, मगर हारूंगा मैं भी नहीं। कैसा रहे? सब ठीक है ना?
ए राजा, डिसिल्वा अंकल ने तुझे बुलाया है। और राजा, तुम्हारे सिवा मैं और किसके बारे में सोच सकता हूं? तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो और मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि तुम दोनों, लेकिन अब तुम पे है राजा कि तुम क्या सोचते हो। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। हाँ बेटा, राजा वापस आ गया है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। कहो तो मैं जाके उससे बात करूं? नहीं 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 बाबा, मैं खुद ही जाऊंगा। मैम, लेकिन अब राजा भी क्या कर सकेगा बाबा? अरे कुछ तो करेगा, वो तुम्हारा दोस्त है। राजा, पापा ने कहा कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। अरे अंदर आओ ना, बैठ। ये बैठो। मोना, मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता था कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो। ये सच है? तुम समझती हो कि तुमने रवि से शादी का सपना देखकर एक भूल की थी और अब तुम्हारे दिल में रवि के लिए कोई जगह नहीं है, है ना? और तुम समझती हो तुम मुझसे शादी करके जिंदगी भर खुश रहोगे, लेकिन तुम मेरे साथ कैसे खुश रहोगी मोना? तुम तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझती। राजा, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझती तो आज अपना दुख दर्द इस तरह मुझसे छुपाती नहीं। मुझे सब कुछ पता चल चुका है और मैं तुम्हें इस तरह बलि नहीं चढ़ने दूंगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो राजा, मैं वही कर रही हूँ जो मैं खुद करना चाहती हूँ। मैं देखो, इधर देखो मेरी आंखों में और कहो कि तुम्हें रवि से कोई मोहब्बत नहीं। कहो कि तुम उसके बिना जी सकते हो। कहो कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। कहो। बैठो। तुमने रवि के बारे में सोचा? उसने तुम्हारे लिए सारी दुनिया से दुश्मनी ले ली और तुम इतनी जल्दी हार मान गई? मैं हार नहीं मान गई राजा, मगर तुम्हें पता मैं क्या करूं? अगर मैंने किसी और से शादी नहीं की तो कंपनी वाले इस गांव को। तुम समझती हो अगर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली तो ये कंपनी वाले इस गांव को आबाद रहने देंगे? अरे अगर वो इस गांव को बर्बाद कर सकते हैं तो तुम अपने आप को मिटा भी लो, तो भी आज नहीं तो कल वो इस गांव को छोड़ेंगे नहीं, मगर हम लड़ेंगे और ये लड़ाई तो चलती रहेगी। देखो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, जो होगा मैं देख लूंगा। चलो आंसू पोछो और सुनो, आज रात मैं तुम्हें रवि के पास ले चलूंगा। तुम दोनों यहां से कहीं दूर चले जाओ, मैं देखता हूं कौन रोक सकता तुम दोनों को। चलो, और देखो किसी बात की फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जा। राजा, मैं समझती थी देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं। मोना, इंसान बनना हर एक के नसीब में नहीं होता, कुछ लोगों को देवता बनना पड़ता है। जाओ।
मगर ये तू किस लिए कर रहा है? ठीक है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मैं तुझे इस तरह अपनी जान पर नहीं खेलने दूंगी। मिस जोसेफ, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल मेरे लिए दुख रहा है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूं, अगर रवि मेरी जगह होता तो वो भी यही करता। और जब अनजाने में मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया था तो यही किया था उसने, शायद इससे भी ज्यादा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? क्या मैं नहीं जानती तूने किस तरह जिंदगी भर के प्यार को एक पल में हंसी में उड़ा दिया, और वो दोनों भी इसे एक मजाक समझकर कब का भूल गए। तुम भी इसे मजाक समझकर क्यों नहीं भूल जाती? तू मुझसे कह रहा है तू बुला सकेगा? नहीं, मोना से प्यार मैं आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। ये प्यार नाकाम हुआ है, खत्म नहीं हो गया। सच यह है कि मोना के लिए अपना प्यार मैं कभी नहीं भुला सकूंगा, मगर मोना और रवि के प्यार को भी मैं भुला नहीं सकता। आज मैं इन दोनों को हमेशा के लिए मिला दूंगा। यही करना चाहिए था मुझे और यही करूंगा मैं। लेकिन मैडम, मैं तो कहता हूं आप आराम से बैठिए, रवि खुद ही आएगा आपसे माफी मांगने। आप वो नहीं आएगा, उसकी रगों में भी अरुण का ही खून है। वो उस लड़की के लिए जान दे देगा, खुदकुशी कर लेगा, मगर वापस नहीं आएगा। एक बार मैंने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन अब मैं रवि को नहीं खो सकती। जाओ उससे कहो कि मुझे उसकी हर बात मंजूर है। वो जीता, मैं हार गई। बट सर, ये तो बहुत ही फंटा। मुझे क्या पता था कि बुढ़िया पर इस तरह अचानक अपने पोते की मोहब्बत का दौरा पड़ जाएगा। और दौरा भी क्या फंटास्टिक पड़ा है सर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी भर की उम्मीदों पर पानी फिर जाने दूं। कमला देवी की सारी जायदाद और दौलत मुझे मिलनी है बटुकलाल, सिर्फ मुझे। और इस बात का फैसला आज रात को ही हो जाएगा। अरे, तुम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हो, एक दिन तुम रवि के साथ हम सब से मिलने के लिए आओगी, आओगी ना? अगर किसी ने तुम्हें गांव से बाहर जाते देख लिया तो चलो। देखिए, आज मैं बहुत जल्दी में हूं और तुम लोग भी। ए लड़की, ठहर। मोना, तुम जाओ। राजा, मोना तुम जाओ रवि के पास, मैं इन लोगों को Yeah.
मुझे तो बहुत पहले चला जाना चाहिए था बाबा। खैर, जो पहले करना चाहिए था वो अब सही। लेकिन रवि तुम बाबा है? अगर वो राजा है तो मैं नहीं हूं, मैं जा चुका हूं। रवि कहां है? लेकिन आप लोग कौन है? अबे बूढ़े, सवाल मत पूछ, हमारी बात का जवाब दे। कहां है रवि? यहां हूं मैं। क्या चाहते तुम लोग भाई? रवि ये लो। बाबा, बाबा, विक्रम। हाँ रवि, मैं। इतने हैरान क्यों हो? नहीं, मैं हैरान नहीं हूं विक्रम अंकल। मैं जानता था तुम्हें गलत आदमी हो, लेकिन इतने कमीने और जलील हो ये नहीं जानता था। तुम मुझे कमीना कहो या जलील, पर सच तो यह है कि कमला देवी की सारी जायदाद और दौलत का असली हकदार मैं हूं, मगर वो जिद्दी बुढ़िया अपनी सारी दौलत तुम्हारे हवाले करना चाहती है, क्योंकि तुम उसका अपना खून हो। अगर ये खून ही मेरे रास्ते में है तो आज ये सारा खून बहा देता हूं। रवि, तुम मार डालना चाहते हैं? मत मारिए ऐसे। बड़े खुशकिस्मत हो रवि, बिना कहे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। हाँ? मरने से पहले एक बार अपनी महबूबा से भी मिल लिए, अब तो तुम्हें मरने में कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मुना? आखिर क्या दुश्मनी है आपको इससे? आप क्यों मारना चाहते हैं इसे? प्लीज प्लीज मत मारिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मत मारिए। मुना नहीं। तुम्हारी ये मोहब्बत देखकर मेरा दिल पिघल गया। ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा। यकीन नहीं आ रहा? रवि, तुम्हारी दादी माँ का ख्याल है कि तुम इस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो कि इसके लिए खुदकुशी तक करने को तैयार हो? अगर सचमुच कर सकते हो तो पलटो, उस रिवॉल्वर तक जाओ, उठाओ, अपने सर का निशाना लगाओ और दबा दो ट्रिगर, वरना we'll be right back.
राजा। मोना तुम ठीक हो ना? लेकिन राजा रवि वो रहा। चलो अब देर नहीं लगानी चाहिए, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए तुम दोनों यहां से निकल जाओ। मगर राजा तुम्हारा क्या होगा? कहो बोले। छोड़ो ये सब बातें। देखो रवि जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों यहां से चले जाओ। हाँ मैं जा रहा हूं मगर अकेले। रवि आज दोपहर में तुम्हारे घर गया था और मैंने तुम्हारी और मिस जोसेफ की बात सुन ली। राजा क्या बात हुई तुम्हारी मिस जोसेफ से? बात कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन एक बात और भी है मोना, जो अगर जानकर मैं तुमसे छुपाऊंगा तो बेईमानी करूंगा। मोना राजा तुमसे प्यार करता है, मुझसे बहुत पहले से और शायद मुझसे कहीं ज्यादा। नहीं ये झूठ है मोना, ये झूठ है। ये सच है मोना, यही सच है मोना। हम अपनी खुशियों में खोए रहे और राजा का गम हमने कभी नहीं जाना। हम हंसते रहे, राजा हमारे साथ हंसता रहा। हमने कभी नहीं देखा कि इसकी एक एक हंसी आंसू के कितने सागर पार करके आ रही है। मोना राजा की सारी उम्मीद आरजू जिंदगी तुम हो, सिर्फ तुम हो। लेकिन देखो देखो आज भी अपने हाथों अपनी जिंदगी मुझे सौंप रहा है। नहीं मोना इसे समझाओ, ऐसा कुछ नहीं है मोना, इसे समझाओ। तुम्हारी नजरों में मैं कुछ नहीं हूं, कोई नहीं हूं। कहां तुम कहां मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं कि तुम, और अगर कभी सोचा भी हो तो क्या अगर बच्चा चांद के लिए मचल जाए तो चांद थोड़े उसके हाथों में आ जाता। राजा किसी इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को अपने आप में शर्माने लगे। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने तुम्हें सिर्फ दुख दिया। क्यों किया मुझ पर इतना एहसान? लेकिन मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। अब तुम भी अपने दिल की बात मान लो, जाओ रवि के साथ कहीं दूर चली जाओ, एक नई जिंदगी शुरू करो जिसमें तुम। हम कोई नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकेंगे मोना, अब जबकि मैं सब जानता हूं। तुम अगर मुझे मिल भी जाओ तो ये एहसास मुझे कभी जीने नहीं देगा कि मेरी बात छोड़ो, अपनी सोचो। क्या तुम राजा के सपनों के घरों पर पैर रख के आगे बढ़ सकोगी? क्या तुम राजा को तक दुख देकर खुश रह सकोगी? देख सकोगी अपने आप को आईने में? बोलो बताओ मुझे, बताओ। नहीं 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 क्या हो गया है तुम लोगों को? अब जब मंजिल तुम दोनों के सामने है तो किस बात की सजा दे रहे हो अपने आप को? जाओ
राजा, राजा, मेरी बात सुन। अरे नहीं, नहीं, जो फैसला जिंदगी नहीं कर पा रही थी, मौत ने कर दिया। नहीं राजा, नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा राजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजा। बेटे। मिस जोसेफ। राजा, ये क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? जोसेफ। जिन बाहों में जिंदगी मिली उन्हीं बाहों में मौत भी आए। और क्या चाहिए मिस जोसेफ? मेरे बच्चे, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो मेरे बेटे, ऐसा मत कहो मेरे बच्चे। मिस जोसेफ, गांव वालों को समझाना। इन दोनों को एक दूसरे से दूर ना करें। ये दोनों एक दूसरे से बहुत